10 न्यूज में इस समय हम मौजूद हैं शूटिंग रेंज सिकंदराबाद बुलंदशहर में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो अभी से लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगने लगी है। और देखिए आप देख सकते हैं पेड़ पे जो काफी कपड़े टंगे हुए हैं ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं यहाँ पर प्रतिबंध है। अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ रैली में सुनने आए हैं और किस तरह से आए हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, हम यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मोदी जी को देख के हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। आप एक युवा है, कहा जाता है कि बेरोजगारी बहुत है युवाओं को, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की वोट है जी, फुल सपोर्ट है पूरा, बहुत अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत ना, हम भी बेरोजगार हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को वोट है, फुल सपोर्ट है बीजेपी को। देखिए युवाओं का कहना है बेरोजगार है लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोदी जी यहाँ आने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, क्या लग रहा है? बेरोजगारी की ज्यादा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए मोदी जी योगी जी को, दोनों जी को। क्या नाम है आपका? देखिए लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, क्या चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए जो आम जनता के लिए सरकार को करना चाहिए, क्या 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 नाम है आपका, क्या कहना है? देखिए लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, क्या चाहेंगे आप सरकार को जो करना चाहिए आम लोगों के लिए? बढ़िया कर रही है जी सरकार, भोला सांसद को चाहने द्वारा और तुम्हारे संग वोट दियो जी, मुस्कुराओ मत, बात बोलना चलिए, बात तो भोला सांसद ही चलिए, भोला सांसद को वोट दो, खुश रहो, जय श्री राम। डिवाई विधानसभा क्षेत्र से आए, सीपी सिंह हमारे विधायक हैं और यहाँ से बढ़िया कोई सरकार ना, गुंडा खत्म, मामलो खत्म, सब चीज बढ़िया चल रहा मामलो। तो देखिए लोगों में बहुत उत्साह है, जो अपराधी हैं, जो अपराधी हैं उन पर सबसे बड़ा अंकुश लगा है, अपराधियों पर सरकार ने अपराधी ऐसे बिल में घुसे जैसे चूहा बस। तो देखिए यहाँ लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में गुंडा राज खत्म हुआ है। अभी हम देखिए बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया सुविधा दे रही है भोला सांसद जी ने, कुछ ना करे। अच्छा एक बार बताइए, आपने पहले जो 70 साल की सरकारों का विपक्ष का वो था उसका कार्यकाल भी देखा, अगर बीजेपी की बात करें तो क्या कहना चाहिए, कितना अंतर आपको लगा है देखने? बहुत अंतर तो बहुत घनो, बीजेपी ने खूब विकास करे, हमारे यहाँ सड़क नहीं बिल्कुल भी, सारी सड़कन पे काम चल रहा है, अच्छी चौड़ाई हो गई, बढ़िया हो रही है, विकास के काम तो खूब है मोदी जी के। लेकिन ये कोई कोई ऐसे सांसद और इनके विधायक ऐसे हैं कि वो लेकर डूब रहे हैं, असल कहानी ये है। अनिल शर्मा जी कुछ ना कर रहे क्षेत्र में, कुछ ना कर रहे हैं, और भोला जी तो बिल्कुल, भोला जी ने तो लोटी लुटिया दोबारा की है, भोला तो भोला, ऐसी गवर्नमेंट है ना, ऐसी गवर्नमेंट बीजेपी की जिसमें है वाकई में एक नंबर है, होनी चाहिए बिल्कुल, हिंदू हिंदू राष्ट्र है और होकर रहेगा, और हमारी तो सबसे ये कामना है कि हिंदुओं अभी भी जाग जाओ, बनवाती हो कृष्ण जन्मभूमि बनवाएंगे, ज्ञान वापी चली रहो मामलो। तो देख सकते हैं आप लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है, और देखेंगे यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ जनसभा को सुनने के लिए आ रही हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है। अब पुलिस की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जगह जगह पर पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है, लोगों पर नजर रख रही है। आप देखिए यहाँ पर सभी सुविधा है, चाहे हम पानी की बात करें, शौचालय व्यवस्था की बात करें, और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।